उत्तर प्रदेश चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह और प्रियंका गांधी होंगे आमने सामने। अनूप शहर और लोनी में आज चुनाव प्रचार करेंगे शाह। प्रियंका गांधी भी अनूप शहर में करेंगी प्रचार। यूपी चुनाव में साइकिल को रफ्तार देने की तैयारी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बुलंदशहर से चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। कार्यकर्ता को देंगे जीत का मंत्र। छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी आज रायपुर में अमर जवान ज्योति का करेंगे शिलान्यास। सीएम भूपेश बघेल ने किया था ऐलान, इंडिया गेट से हटाई गई है अमर जवान ज्योति। मेरठ के किठौर में जनसभा को संबोधित करेंगे ओवैसी। डोर टू डोर प्रचार भी करेंगे, मुस्लिम वोटर्स को लुभाने की करेंगे कोशिश। यूपी चुनाव के लिए आज नामांकन करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। सिराथू विधानसभा सीट से लड़ रहे हैं चुनाव। पांचवें चरण में 27 फरवरी को होगा मतदान। बीएसपी सुप्रीमो मायावती गाजियाबाद के कवि नगर में रैली को करेंगे संबोधित। ब्राह्मण वोटर्स पर मायावती की नजर। कोरोना से पाबंदियों में छूट। पश्चिम बंगाल में आज से खुलेंगे स्कूल। 8वीं से 12वीं तक के बच्चों को क्लास अटेंड करने की अनुमति। देश में फिर बढ़ी कोरोना की रफ्तार। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,72,000 केस। 1,008 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। अगले 2 घंटे में पूरे दिल्ली और एनसीआर के आसपास गरज के साथ बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 1,000वां वनडे मैच खेलने वाला पहला देश बनेगा भारत। वेस्ट इंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में ऐतिहासिक मैच। स्टेडियम में मौजूद नहीं होंगे दर्शक। राहुल गांधी के पाकिस्तान चीन वाले बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि मैं इस बयान को निश्चित रूप से बढ़ावा नहीं देता हूं। पाकिस्तानी अरबपति मियां मानशाह का दावा, भारत पाकिस्तान में चल रही बातचीत। पीएम मोदी जाएंगे इस्लामाबाद। यूक्रेन पर रूसी हमले का खतरा। पूर्वी यूरोप में बाइडेन ने मजबूत किए नाटो के हाथ, भेजे हजारों सैनिक। सऊदी अरब बदलने जा रहा देश का झंडा और राष्ट्रगान। राष्ट्र की गैर निर्वाचित सलाहकार शूरा परिषद ने राष्ट्रगान और ध्वज में बदलाव के पक्ष में किया मतदान। गलवान में भारत से झड़प में चीन को हुआ था भारी नुकसान। ऑस्ट्रेलियाई अखबार की रिपोर्ट में खुलासा, चीन ने रोकी थी खबरें। बजट सपोर्ट पर ग्लोबल प्रेशर भारी। खुलते ही औंधे मुंह गिरा शेयर बाजार। 4 दिन की तेजी पर लगी लगाम। जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड बनाने की सरकार की तैयारी। 1-14 नवंबर का यूनिट रजिस्टर्ड नंबर यानी यूएलपीआईएन नंबर जारी किया जाएगा। ऑनलाइन मिलेगी सारी डिटेल। बदल जाएगा व्हाट्सएप का डिलीट फॉर एवरीवन फीचर। 2 दिन में डिलीट कर सकेंगे मैसेज। कई दूसरे फीचर्स पर भी काम कर रहा है व्हाट्सएप। रेल यात्रियों को करना पड़ेगा परेशानियों का सामना। आज भी कोहरे की वजह से रद्द रहेंगी दर्जनों ट्रेनें। कई गाड़ियों का बदला गया रूट। तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 95 रुपए 41 पैसे जबकि डीजल का दाम 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर।